इसका लुक, ये स्मोक वाला वाइजर है, ये मैं साथ ही ले चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ नाइट के लिए भी वाइट वाइजर जो है, जो सो दैट्स द लुक। सो इसके साथ S1000 RR का जाता है इस हेलमेट के साथ, अगर कलर कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, इवॉल्व 1.0 के एपिसोड 1 में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। डिफरेंट इन द सेंस, मैं बल्क, एज यू नो, मैं बल्क पे था कुछ महीने पहले, लाइक 3-4 महीने पहले मैं बल्क से कटिंग में आ रहा हूँ। अभी इवॉल्व 1.0 के बारे में जो मैं बताना वाला हूँ कि ये इवॉल्व 1.0 ये 2 से 2.5 महीने तक चलेगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इट्स लाइक मैं अपना जो बॉडी फैट परसेंटेज जो जो जगह पे है उसे मैं कम करने वाला हूँ जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके। मैं उस पे फोकस करने वाला हूँ। मैं कितना एब्स, मुझे एब्स ट्रेन करना पड़ेगा इसके साथ साथ, इसके साथ साथ मुझे मसल बिल्डिंग में भी फोकस करना पड़ेगा। एंड हम जब हमारे बॉडी से फैट या फिर सब कुछ रिड्यूस होता है तो तब हमारे हम लोगों का एनर्जी भी थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है, तो उसके वजह से एनर्जी भी, मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़ा इधर उधर होता है। उसे भी मुझे बढ़ाना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। देखो डाइट मैं सिंपल तरीका, एकदम होममेड खाना पकड़ लो। एंड इसके साथ साथ आप अगर वे प्रोटीन एफोर्ड कर सकते हो तो दैट्स वेरी कूल। चलो दैट्स द थिंग, इवॉल्व 1.0 का एपिसोड। एंड आज का जो ट्रेनिंग सेशन मैं करने वाला हूँ वो होगा चेस्ट पुश वर्कआउट में, चेस्ट मैं करने वाला हूँ सिर्फ। चलो करते हैं। एंड द थिंग इज दैट मैं एक चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि मैं दुकान में जाके वो खरीदा हूँ। द थिंग इज दैट द पैकेज इज हियर गाइस, एज यू कैन सी। ये क्या है, इट्स अ एम्प्टी थंडर ब्लेज हेलमेट। बहुत दिनों के बाद मैं एक प्रीमियम हेलमेट यूज करने वाला हूँ। मेरा टॉप टू बॉटम एक ही चीज का कमी हो रह चुका था, वो था हेलमेट का। आज वो फुलफिल होने वाला है। इसका मैं पूरा रिव्यू मोटो व्लॉगिंग सेटअप में नेक्स्ट या फिर कुछ दिन बाद मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। मैं बाइक लेके भी नहीं निकल सकता हूँ। दैट्स द थिंग। हेलमेट का अनबॉक्सिंग करते हैं चलो। ये एक बैग में आता है। एंड इट्स लुक एट दिस गाइस, द परफेक्ट 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 द परफेक्ट वन। एंड
इसका मैं ये वाला भी नहीं खोला, सो ये कैसा लगता होगा। सो इसका लुक, ये स्मोक वाला वाइजर है, ये मैं साथ ही ले चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ नाइट के लिए भी वाइट वाइजर जो है, जो सो दैट्स द लुक। सो इसके साथ 8,000 RR का जाता है इस हेलमेट के साथ, अगर कलर कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो। वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, इंशाल्लाह कभी पॉसिबल होगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए ही, सब कुछ अपना विश अपना ख्वाहिश सब कुछ पूरा करने के लिए। दैट्स द थिंग, दैट्स द हेलमेट। इसका जो मोटो व्लॉगिंग मैं करने वाला हूँ वो कुछ दिन बाद मैं करने वाला हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं जो अपग्रेड मैं कर चुका हूँ वो है, गाइस आपको दिखाते हैं, लाइक मोटो व्लॉगिंग में भी कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस चैनल इज बिलोंग्स टू फिटनेस एज वेल एज मोटो व्लॉगिंग एज ऑल्सो ट्रैवलिंग। मैं ये फाइनली ले चुका हूँ गाइस, आप अगर देखोगे तो मीडिया मोड। दैट्स द थिंग, एंड ये रहा मीडिया मोड। एंड इसके साथ साथ भी मैं माइक भी ले चुका हूँ जो है सोनी का, आप अगर देखोगे तो। मोटो व्लॉगिंग में कोई भी कमियां नहीं होना चाहिए, सो दैट्स वजह से। एंड इसका प्लानिंग भाई, मैं बहुत मेरे पास पैसा आ रहा था, लेकिन वो किसी और प्रोटीन खरीदने में या फिर इसमें वो सब कुछ चला जा रहा था। थोड़ा बहुत जमा पैसा वैसा जमा के मैं ये फाइनल ले चुका हूँ, एंड वो भी 2 साल बाद गाइस। एंड चलो प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग भी करने वाले हैं। दैट्स द थिंग, मैं हेलमेट का रिव्यू भी उस टाइम करने वाला हूँ। चलो अभी जिम जाते हैं, एंड इवॉल्व 1.0 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं मेरे आप अगर ये फोटो देखोगे तो इस टाइम जो मेरा फिजिक था, मतलब मेरा एब्स वैब्स था, वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ मुझे एब्स भी चाहिए, इसके साथ साथ मसल भी चाहिए, ठीक है, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। उसके लिए ही सब कुछ। चलो चलते हैं जिम जाते हैं एंड परफेक्टली करते हैं, लेट्स गो। गाइस फर्स्ट एकदम बेसिक सा करने वाले हैं, लाइक इंक्लाइन डंबल प्रेस, एंड इसका थोड़ा स्लो ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या कितना होता है। चलो Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. So guys, next we will hit incline dumbbell fly. So chalo, dekhte hain, 4 set hoga. बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि भाई इतने दिन जिम करके क्या होगा, क्या फ़ायदा, क्या हुआ, वो उनके बात मत सुनो, बस अपना काम करते रहो। देखो
तुम कुछ चीज उन उन दूसरे लोगों की वजह से रोक दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो आगे जाते रहो, एक दिन कुछ ना कुछ हिट तो करेगा ही भाई। सो चलो। सो गाइस, थर्ड एक्सरसाइज मशीन प्रेस, कभी चाहते हो चलो। सो गाइज, ये वाला केबल फ्लाई सुपर सेट होगा। सो चलो। ओके गाइस, सो देखो, जिम तो हो चुका है, अभी मैं लंच कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप हसलिंग। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड इंस्टाग्राम का चैनल यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का आईडी, सो प्लीज़ डू फॉलो। एंड मोर वीडियो आता रहेगा, सो कीप हसलिंग।